खबर शुभिलाई, आपकी खबर तेजसर। बस्ती जनपद में अवैध गांजा तस्करी का हफ्सा बन गया है। लगातार बस्ती पुलिस के द्वारा अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है, लेकिन गोंडा जिले के बॉर्डर से सटे होने के चलते बस्ती पुलिस अवैध गांजा बेचने वाले तस्करों के ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा पा रही है। इस क्रम में देर रात बेलवरिया जंगल के पास संदिग्ध व्यक्तियों के वाहन चेकिंग के दौरान गौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और दो गांजा शिवशंकर उदयराज को गौर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तलाशी में तस्करों के पास से 6 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं CO हरैया शेष मणि उपाध्याय ने बताया कि गौर पुलिस के द्वारा बेलवरिया जंगल के पास संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी बिना नंबर की बाइक से आते हुए दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो दोनों बाइक छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया और जब इनकी बाइक की डिग्गी की तलाशी ली गई तो 6 किलो गांजा बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हम बगल के जिले से गांजा मांगकर बस्ती में अलग अलग स्थानों पर बिक्री करते हैं और आज आपके द्वारा पकड़े गए हैं। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। सर, आज गौर पुलिस द्वारा दो गांजा तस्कर को पकड़ा गया है, और सर कितने गांजा बरामद हुआ और सर क्या कार्रवाई इसको? जनपद बस्ती में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना प्रभारी गौर शमशेर बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में गौर की पुलिस उपनिरीक्षक भीम सिंह और उपनिरीक्षक रिजवान अली के साथ चेकिंग कर रही थी बेलवरिया जंगल के पास। उसी दौरान एक HF डीलक्स बाइक जो कि बिना नंबर की थी आ रही थी, जिसको संदेह की वजह से रोका गया, तो उस पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनकी उसमें से एक व्यक्ति है शिवशंकर जो कि अपाहिज भी है और उससे चलता है। उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली में 2 पैकेट बरामद हुए, जिनको जब चेक किया गया तो पाया गया कि वो गांजा था। और दूसरा जो बाइक की डिक्की चेक की गई तो उसमें उदयराज नाम का जो आदमी था उस डिक्की से 1 पैकेट प्राप्त हुआ जिसमें 2 किलो गांजा था। इस प्रकार इस टीम द्वारा कुल 6 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रूपये है। और ये बहुत ही अच्छा गुडवर्क है। अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर इनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।